प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, इंटरनेट की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आर, सबसे पहले है ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। बाय यूजिंग ईमेल सर्विस ऑन इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स एट्सेट्रा एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ई मेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई मेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि बिजली से भेजा जाने वाला तार। बाय यूजिंग ई मेल सर्विस ऑन इंटरनेट, ई मेल सर्विस का इस्तेमाल कर इंटरनेट के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज, हम भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स हों, ऑडियो वीडियो फाइल्स हों, कुछ भी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, कुछ भी, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं पे भी। ठीक है, भेज सकते हैं हम कंप्यूटर से, फोल्डर, फाइल्स, म्यूजिक, जो मर्जी भेजो। अब बात करें ईमेल के डेवलपर की, फादर ऑफ या डेवलपर ऑफ ईमेल, तो ये हैं रे मंट टॉमलिंसन, वाज अ प्रोग्रामर इन आर्पानेट यूएसए। इन्होंने ईमेल की खोज की थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल की। ठीक है, रेमन टॉमलिंसन या रे टॉमलिंसन भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। ठीक है, अब बात करें अपने भारतीय मूल की, तो भारतीय मूल में से सबीर भाटिया ने हॉटमेल की खोज की है। जैक स्मिथ एंड सबीर भाटिया फाउंडर द फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस hotmail.com इन 1996। ही हैज़ बीन द सीईओ ऑफ प्रो एक्सीमेक्स सिंस 2007। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है प्रो एक्सीमेक्स में सिंस 2007 से। इन्होंने ये सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने मिलकर बनाया हुआ है हॉटमेल को। ठीक है, अब बात करें इंटरनेट की सेकंड एडवांटेज की, तो सेकंड है ऑनलाइन चैट। ठीक है, ऑनलाइन गपशप। इंटरनेट इज़ ए वेरी बिग चैट रूम वेयर वी कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एज वेल एज मीट विद अवर ओल्ड फ्रेंड्स बाय यूजिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ऐप सर्विसेज। ठीक है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा गपशप का कमरा है, वेयर वी कैन मेक न्यू फ्रेंड, जहाँ पे हम नए दोस्त बना सकते हैं, एज वेल एज मीट विद अवर ओल्ड फ्रेंड्स, या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अपने पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं बाई यूजिंग फेसबुक, फेसबुक का इस्तेमाल कर, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। ठीक है, तरह तरह की हमारी जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन चली हुई हैं आजकल, उनके ज़रिए हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट से ये सारी एप्लीकेशन चलती हैं। ठीक है, अब बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम की खोज की है केविन सिस्ट्रोम ने, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, जैसे डेवलपर है ना फेसबुक के, आपको पता ही है मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, और व्हाट्सएप के जेन कोम। ठीक है, ये कुछ एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने कुक नोटबुक पे भी लिखना है। ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब बात करें एंटरटेनमेंट की, इंटरनेट की थर्ड जो एडवांटेज है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन प्ले गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एट्सेट्रा फॉर आवर एंटरटेनमेंट। इंटरनेट के बारे में आप सभी वैसे भी आजकल के टाइम में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट पे हम क्या क्या कर सकते हैं एंटरटेनमेंट। ठीक है, हम ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियोस ऑनलाइन सर्व कर सकते हैं। ठीक है, मूवीज़ देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, वी कैन डाउनलोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, वी कैन डाउनलोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम तरह तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के इस्तेमाल से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, एडोब रीडर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, वीएलसी प्लेयर, यानी कि तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन डाउनलोड बाय यूजिंग द इंटरनेट। वेदर अपडेट, वाई यूजिंग इंटरनेट वी कैन गेट वेदर अपडेट एनी टाइम ऑफ द डे एंड ऑफ द अपकमिंग डेज। ठीक है, वाई यूजिंग इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, वेदर की लेटेस्ट जो अपडेट है उसको ले सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय, एंड ऑफ द कमिंग डेज, और आने वाले दिनों का भी। ठीक है, पता चल जाता है हमें 6-7 दिन का आगे जो भी वेदर होगा। और ये पॉसिबल हुआ है हमारे जो दो सुपर कंप्यूटर लगे हुए, एक महाराष्ट्र में लगा हुआ है, ठीक है, पुणे में लगा हुआ है, एक और एक लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में नोएडा में लगा हुआ है,
प्रत्यूष और मिहिर, ठीक है, प्रत्यूष पुणे में लगा हुआ है और मिहिर नोएडा में लगा हुआ है, और दोनों की जो स्पीड है पेटाफ्लॉप्स में है 6.8 समथिंग है उनकी जो स्पीड है, ठीक है, इनसे बेहतर फोरकास्टिंग पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन पे अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल्स, ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन एसी टू अदर, ठीक है, विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, अप्लाई फॉर एनी एग्जाम्स एक्सेट्रा। इंटरनेट का इस्तेमाल कर हम बिजली के बिल दे सकते हैं, फ़ोन बिल्स पे कर सकते हैं, अपने पैसे भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, विड्रॉ कर सकते हैं मनी एटीएम से, अप्लाई कर सकते हैं हम एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जैसे आपके बोर्ड के हर बार जो है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन, आपके ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिशन होती है, तभी आपके जो एडमिट कार्ड आते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर किसी भी ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई करना तो आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फ्लाइट या रेलवे टिकट्स बुकिंग करना, ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट सर्विस। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के हानियाँ भी क्या क्या हैं, इंटरनेट के कुछ दोष भी हैं, ठीक है। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल निजी जानकारी का चोरी होना। द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड ओवर इंटरनेट कैन बी इजिली रिवील्ड बाई हैकर्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड ओवर इंटरनेट, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो इजिली रिवील्ड खोले जा सकते हैं हैकर्स के जरिए। हैकर्स क्या कर सकते हैं, हमारी पर्सनल जानकारी को चुरा सकते हैं। लेकिन अब जो है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो हमें इनक्रिप्शन दे रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है, बहुत सारी वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंटेशन होती हो रही हैं इनक्रिप्शन के लिए, ताकि कोई हैकर्स उसको ब्रेक ना कर पाए सिक्योरिटी को। तो ये एक तरह की डिसएडवांटेज मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में एक आधा केस जो हो जाता है हैकिंग का भी, ठीक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू, डोंट शॉप विद नॉन ऑनलाइन शॉपर। अब एक चीज़ और है कि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी एक इशू रहता है, कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं वो भी इनवैलिड शॉपर्स, ठीक है, कुछ एक ऐसे ही ऑनलाइन फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जहाँ पे हम शॉपिंग कर लेते हैं, पेमेंट हम कर देते हैं और चीज़ हमारे घर में पहुँचती नहीं है, अगर पहुँचती है तो मंगवाया कुछ और होता है और पहुँचता कुछ और है, ठीक है। तो इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी एक इशू रहता है। पॉर्नोग्राफी, अश्लीलता वाली जो चीज़ें होती हैं, दिस इज़ वेरी सीरियस इशू कंसर्न विद इंटरनेट। अभी एक बहुत ही गंभीर इशू है जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, एंड यंग जनरेशन जी, और जो ये हमारी यंग जनरेशन है उसके साथ, ठीक है। बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट ओवर द इंटरनेट दैट कैन बी इजिली फाउंड, क्योंकि आजकल जो है हज़ारों क्या लाखों के हिसाब से पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्स जो इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं, जिनको आसानी से ढूंढा जा सकता है, ठीक है। ये जो पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्स होती हैं, ये हमारी यंग जनरेशन को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से ये हिदायत ही रहेगी कि इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ ना करें, नहीं तो ये एक तरह का जुबेनाइल क्राइम माना जाएगा और ये आता है साइबर क्राइम के अंदर, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू यूज़ दिस वेबसाइट, अदरवाइज इट विल बी अ जुबेनाइल क्राइम। वायरस थ्रेट, ऑलमोस्ट वायरस कम्स फ्रॉम द इंटरनेट, ज़्यादातर जो वायरस आता है वो इंटरनेट से आता है। विच थ्रेट विच ट्रीट अवर नॉर्मल फंक्शनिंग, यहाँ पे ट्रीट की जगह यहाँ पे थ्रेट लिखना है। विच थ्रेट वायरस जो होता है इंटरनेट से ज़्यादा आता है हमें, ठीक है। विच थ्रेट अवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो नॉर्मली फंक्शनिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। ज़्यादातर वायरस जाता है हमारा इंटरनेट से आता है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, इसलिए हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं। विंडो XP, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विस्टा है, विंडो 10 है, ठीक है। और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो और भी हैं, उबंटू है और लिनक्स भी है, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से जो इनकी जो सिक्योरिटी है वो इतने ज़्यादा सिक्योर है कि कोई भी हैकर इनकी सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एंटीवायरस डाल सकते हैं। अगर एंटीवायरस होगा तो वैसे भी आपके सिस्टम के जो भी फंक्शनिंग है वो आपकी प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इंटरनेट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही काफ़ी थी, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक
आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।